हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने एप्लीकेशन केसी ट्यूटोरियल में। और हम लोग कर रहे हैं तैयारी जीपैट 2024 की, और इसके साथ साथ बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम से डीआई, ड्रग इंस्पेक्टर और स्टेट फार्मेसी के फार्मासिस्ट एग्जाम की। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था जीपैट तैयारी में जुरिसप्रूडेंस चैप्टर नंबर 1 हम लोगों ने पढ़ा था। एप्लीकेशन में आपने देखा था कि इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल जुरिसप्रूडेंस हिस्ट्री और इसके स्कोप के बारे में, कि कैसे चोपड़ा की कमेटी बनी, चोपड़ा जी की कौन कौन सी चीजें हुई और इन सब के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया था। आज इसके चैप्टर नंबर 2 में हम बात करने वाले द फार्मेसी एक्ट 1948 के बारे में। जी हाँ, फार्मेसी एक्ट एक वही एक्ट है जिसकी वजह से आज हम और आप यहाँ हैं। यानी आप जी पैट की तैयारी कर रहे हैं, आप बी फार्मा कर चुके हैं या बी फार्मा कर रहे हैं, या आपने डिप्लोमा किया है या फार्मा करने जा रहे हैं, पीएचडी करने वाले हैं, सब कुछ जो आप किए हैं, करने जा रहे हैं, जो आपको नौकरी मिलेगी, वो सब इसकी देन है। यानी इसी ने सारे नियम कानून बनाए, इसी ने सारे कोर्सेज बनाए और इसी ने सब कुछ बनाया। तो थ्योरी पोर्शन अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो यूट्यूब पे मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं। मैं यहाँ पे पॉइंटेड बात करने वाला हूँ जीपैट के रिलेटेड, यानी इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आज तक एग्जाम में आए हुए हैं और कितने क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, उससे रिलेटेड मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो फार्मेसी एक्ट की बात करें तो सबसे पहले मैंने आपसे बताया था कि जब भारत में बहुत ज्यादा, बहुत बुरी तरह से भारत में फार्मेसी के यानी दवाओं के व्यापार में गंदगी फैल चुकी थी, तो ड्रग इंक्वायरी कमेटी बनाई गई 1927 ईस्वी में। 1930 में चोपड़ा जी की कमेटी बनी, उन्होंने कुछ 35 में रिकमेंडेशन दिए और उसके बाद से भारत में थोड़ा सा दवाओं के व्यापार को लेकर के देखभाल किया गया। लेकिन उसके बाद 1940 में करीब एक फार्मेसी का एक कमेटी बना के काम किया गया कि यार ऐसा कुछ नियम बनाया जाए, कुछ ऐसी पढ़ाई शुरू की जाए जो इस व्यापार में, इस दवा के काम में जो लोग करें उनकी अलग पढ़ाई, वो बीएससी, बीए, इंटर, बीकॉम वाले इस दवा के व्यापार में ना घुसे। तो डिसाइड किया गया कि एक अलग सी पढ़ाई हो जिसको डिप्लोमा इन फार्मेसी या बैचलर इन फार्मेसी कहा जाएगा, एक उनका एग्जाम हो, एक उनका सिलेबस हो, एक उनका स्कूल हो। ठीक है, तो इन सब के नियम को बनाने के लिए, कि देश में, पूरे भारत में फार्मेसी के लिए अलग से कानून बनाने के लिए 1945 में सबसे पहले फार्मेसी बिल लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 1, फार्मेसी बिल कब लाया गया था? 1945। क्या काम करता है ये काम? ठीक है, इसको देखिए दोस्तों, फार्मेसी बिल क्या, क्यों लाया गया था, इसका बेसिकली पर्पस क्या था, क्या करना चाहते थे आप इस बिल के जरिए? टू रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, देश में हमारे फार्मेसी के प्रोफेशन को रेगुलेट करना। और ये भारत में 4 मार्च 1948 से लागू हुआ था। 1945 में ये बिल बनाया गया, उसके रिकमेंडेशन दिए गए और 4 मार्च 1948 से जीपैट का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, को ये सबसे पहले फार्मेसी एक्ट ये लागू किया गया भारत में। ये पूरे भारत में लागू था, जम्मू कश्मीर को छोड़कर, लेकिन जब से धारा 370 हट गई है अब ये जम्मू कश्मीर में भी ये लागू हो रहा है। एक और टॉपिक है यहाँ पे क्वेश्चन देखें, जो 1948 में फार्मेसी एक्ट पास हुआ उसमें 5 चैप्टर्स थे, पांचों चैप्टर में क्या क्या बताया गया, यानी इतना समझे कि एक किताब है फार्मेसी एक्ट जिसमें कुल 5 चैप्टर हैं और पांचों चैप्टर में क्या क्या पढ़ाया जाएगा वो भी आपको याद करना है। अभी मोटा मोटा याद करते हैं, 5 चैप्टर थे और 46 सेक्शन थे। 46 सेक्शन का मतलब कुल 5 चैप्टर में 46 भाग थे, 46 अलग अलग सेक्शन थे, पैरा पार्ट थे, जिसके अंदर अलग अलग चीजें डिस्क्राइब की गई है, डेफिनेशन दिया गया, जैसे कि फार्मासिस्ट का डेफिनेशन क्या है, रजिस्ट्रेशन का फार्मासिस्ट क्या है, सेंट्रल फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन क्या है, रजिस्टर का डेफिनेशन क्या है, ये सभी इस सेक्शन में बताए गए। इनमें से उठने वाले क्वेश्चन को मैं बारी बारी डिस्कस करूंगा आगे। बाद में इसमें बहुत सारे सुधार हुए, परिवर्तन हुए, कुछ ये जोड़ी गई जिसे हम अमेंडमेंट कहते हैं, और पूरे भारत में इसी के फार्मेसी एक्ट 1948 के आधार पर, याद रखिएगा फार्मेसी बिल 1945 में है। क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूज करता है एग्जाम में, पूछेगा व्हाट इज फार्मेसी बिल और लोग 1948 मार्च चले आते, नहीं, फार्मेसी बिल 45 में आया, फार्मेसी एक्ट 1948 में। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जो ये फार्मेसी एक्ट है वो भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं कल्याण, परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि किसके अंतर्गत आता है, तो होम मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है, तो ये आपका क्या है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री, इसके अंतर्गत आता है। और इसमें कुल 5 चैप्टर है और 46 सेक्शन है, याद रख लो 546, ट्रिक याद कर लो 546, 5 चैप्टर 46 सेक्शन, 5 चैप्टर 46 सेक्शन, ठीक है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया, बीच बीच में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमेंडमेंट, जैसे कि लगता है कि भाई ये चीज छूट गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसको भी ऐड करना चाहिए, तो वो लोग उसको ऐड करते हैं, तो उसे अमेंडमेंट कहते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो है वो 1 नवंबर 1983 को किया गया। उन्होंने एक अमेंडमेंट कहा कि जब भी पूरे भारत में जब भी कोई दवा की दुकान चलाई जाएगी, मेडिकल स्टोर, होलसेल, कुछ भी दुकान चलाई जाएगी दवा की, उसके लिए एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का होना जरूरी है, तभी दुकान को लाइसेंस मिलेगा। ये नियम 1 नवंबर 1983 को जोड़ा गया हमारे फार्मेसी एक्ट में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछा गया कि फर्स्ट कि किस तारीख को किस अमेंडमेंट में इसको ऐड किया गया, तो वो था हमारा 1 नवंबर 1983। ये चीजें आप यहाँ पे याद रखिएगा। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मैंने कहा कि 5 चैप्टर्स है, एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि भाई फर्स्ट चैप्टर में क्या बताया गया है, थर्ड चैप्टर में क्या बताया गया, फोर्थ चैप्टर में क्या बताया गया है, ये भी याद करना आपको बहुत जरूरी है। तो बारी बारी सुन, जैसे आप कोई किताब शुरू करते हैं तो सबसे पहले शुरू होता है इंट्रोडक्शन से। तो चैप्टर वन में इंट्रोडक्शन, फार्मेसी एक्ट क्यों लाया जा रहा है, क्या इसका रीजन है, क्यों हम इसके लिए काम कर रहे हैं, ये इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो फर्स्ट चैप्टर बन, ये तो याद नहीं करना आसानी से। अब देखिए, आप देखिए, जैसे ही फार्मेसी एक्ट लाया गया, सबसे पहले पीसीआई का गठन हुआ, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो पूरे देश में हमारे एजुकेशन को कंट्रोल करता है, हमारे कोर्स, हमारा सिलेबस, हमारा पाठ्यक्रम, हमारा सब्जेक्ट, हमारा ट्रेनिंग, हमारा सब कुछ प्रैक्टिकल। तो ये सेकेंड चैप्टर में पीसीआई के बारे में बताया गया। याद रखिएगा, चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन और चैप्टर सेकेंड इज पीसीआई, याद रखना है, तभी आपको क्वेश्चन फंसेंगे। चैप्टर थर्ड में स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ध्यान से बचेगा, जब पीसीआई बना तो ये बात सेंट्रल की हो गई, केंद्र की। अब केंद्र से हम कहां पे आएंगे, राज्यों की तरफ जाएंगे, तो पहले एक केंद्र फिर 28 राज्य, तो केंद्र के बाद राज्यों की तरफ आएंगे, तो चैप्टर थर्ड में स्टेट फार्मेसी काउंसिल एसपीसी के बारे में बताया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं चैप्टर से, मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं, इस जीपैट क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यूज में कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज डिस्क्राइब इन विच चैप्टर ऑफ द पीसीआई फार्मेसी एक्ट। चैप्टर ऑप्शन देगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन नंबर क्या है, थर्ड। फोर्थ में किसी भी फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, कैसे कोई भी फार्मा डिफार्मा करने के बाद एक फार्मासिस्ट कैसे रजिस्टर्ड होता है, क्या उसका प्रोसीजर है, ये चैप्टर नंबर फोर में। और फिर चैप्टर नंबर फाइव में रजिस्ट्रेशन के बाद बहुत सारी गतिविधियां होती है, मिसलेनियस एक्टिविटीज जो है वो नंबर पांच में आती है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना, पांचों चैप्टर में क्या क्या बताया गया है ये आपको याद रखना। ठीक है, ये आपको समझना है, ये एजुकेशन रेगुलेशन की बात हो गई। ठीक है, दैट्स इट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम और कुछ देख लेते हैं कि कुछ और चीजें क्या इन सब क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि चैप्टर फर्स्ट और सेकंड जो है, जैसे ही ये नियम बना, फार्मेसी एक्ट 1948 आया, तुरंत ही चैप्टर वन और टू को अमेंडमेंट किया गया, भारत सरकार ने लागू कर दिया। वन मतलब इंट्रोडक्शन, इसमें कुछ खास था नहीं, सेकंड मतलब पीसीआई, 1948 में ही पीसीआई लॉन्च हो गया, ये ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट और सेकंड तुरंत रिलीज हुआ। थर्ड फोर्थ और फिफ्थ जो है वो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदलता गया, भारत सरकार ने क्या किया, इन्होंने कहा कि जो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ यानी स्टेट फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन फोर्थ वाला हो गया, फिफ्थ मिसलेनियस, इनको भारत सरकार ने राज्यों के भरोसे छोड़ दिया। भाई सेंट्रल ने अपना काम करके फर्स्ट सेकंड छोड़ दिया, उन्होंने कहा थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो है, जो राज्य सरकार जैसे जब उसे जरूरत पड़े वो उसमें सुधार कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है नियम में, और अपने राज्य में लागू कर सकता है। यानी ये तुरंत लागू नहीं हुआ, राज्य सरकारों के जो ऑफिशियल गैजेट्स होते हैं उसमें, जो राजपत्र होते हैं उसमें बारी बारी से ये अमेंडमेंट होता है। जो फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में है वो भारत में 1949 में गठन हुई। भारत में फार्मेसी एक्ट 1948 में पास होने के बाद एक साल के बाद पहला फार्मेसी काउंसिल बना। अब ये फार्मेसी काउंसिल क्या होता है, कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं, 10, 12, 13, 14, 15 ऐसे मेंबर्स का समूह होता है जो पढ़े लिखे होनहार अलग अलग फील्ड के होते हैं, जो इस पूरी कमेटी को चलाते हैं, पूरे देश में फार्मेसी के नियम को बनाते हैं और चलाते हैं। ये फार्मेसी कमेटी से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कौन कौन से मेंबर होते हैं, मैं बताता हूं अभी आपको। और सबसे पहला एजुकेशन रेगुलेशन 1952 में बना था, यानी कि 1949 के 3 साल के बाद, कि भारत में फार्मेसी की पढ़ाई का स्ट्रक्चर कैसे होगा। पहले डिप्लोमा 1 साल का था, उस समय डिप्लोमा कैसे होगा, डिग्री कोर्स कितने का होगा, मास्टर कोर्स कितने का होगा, क्या सिलेबस होगा, कितने घंटे के प्रैक्टिकल्स होंगे, कितना ट्रेनिंग सेशन होगा,
पहला जो एजुकेशन रेगुलेशन है वो 1952 में ड्राफ्ट किया गया। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 1945 में फार्मेसी बिल, 1948 में फार्मेसी एक्ट, 1949 में फार्मेसी कमेटी काउंसिल और 1952 में पहला एजुकेशन रेगुलेशन, यो और 3 साल के बाद इसको ड्राफ्ट किया गया। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, मैंने कहा ना कि अलग अलग डेफिनेशन थे, जैसे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट काउंसिल, ये सबको अलग अलग सेक्शन जो 46 सेक्शन थे उसमें डिफाइन किया गया। तो क्वेश्चन पूछता है जीपैट में कि किसका डिफिनेशन किस सेक्शन में बताया गया है, ये आपको याद करना बहुत जरूरी है। जैसे सेंट्रल काउंसिल जो है ये सेक्शन 3 के अंतर्गत बताया गया है, सेक्शन 3 में सेंट्रल काउंसिल बताया गया है, ये चीज आपको याद रखना है, सेंट्रल सेक्शन 3 में सेंट्रल काउंसिल, ठीक है। तो ये आपको यहां पर याद रखना है। सेंट्रल रजिस्टर क्या होता है भाई, कि पहले जान लो होता क्या है। एक ऐसा रजिस्टर होता है केंद्र सरकार का जिसमें पूरे देश में जितने भी फार्मासिस्ट है उनका एक एंट्री, एक रजिस्टर मेंटेन होता है, उसे सेंट्रल रजिस्टर कहते हैं। इसे सेक्शन 15A के अंतर्गत इसको दर्शाया गया है, इसको डिफाइन किया गया है, याद रखेगा सेंट्रल रजिस्टर सेक्शन 15A, ये सब याद रखना, अपनी कॉपी में याद करते दोस्तों। अगला देख लेते हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या होता है, यानी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी मतलब जो नियम कानून जो बनता है कमेटी का उसको क्रियान्वित करने के लिए जो लोग होते हैं, ठीक है, उन्हें एग्जीक्यूटिव कमेटी कहते हैं, सेंट्रल काउंसिल बोलते हैं। प्रिस्क्राइब मतलब ऐसी दवाइयां जो कि डॉक्टर लिखता है उसे प्रिस्क्राइब कहते हैं, इसका डेफिनेशन चैप्टर 2 में दिया गया है, ठीक है, आपका जो रेगुलेशंस में चैप्टर 2 में ये आपका आता है। सेक्शन 18 में और इसके साथ साथ सेक्शन 46 में भी प्रिस्क्राइब ड्रग के बारे में डिस्क्राइब किया गया, यानी चैप्टर 2 में, और सेक्शन कौन कौन से, सेक्शन 18 और 46। आपसे पूछा जाए कि भाई प्रिस्क्राइब ड्रग को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, तो पहले चैप्टर 2 में, उसके अंतर्गत सेक्शन 18 सेक्शन 46। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीपैट के दोस्तों, बहुत छांट करके सारे इयर्स के पेपर को कलेक्ट करके बनाया गया है। रजिस्टर मतलब जो भी फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड हो जाता है सरकार के द्वारा उसे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहते हैं। ये चैप्टर 4 में डिफाइन किया गया। चैप्टर 4 में क्या था, स्टेट फार्मेसी काउंसिल, और रजिस्ट्रेशन कहां होता है, स्टेट फार्मेसी में होता है, इसलिए ये चैप्टर नंबर 4 में आता है। कुछ अपने से दिमाग लगाएंगे ऑटोमेटिक जवाब मिल जाएगा। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट क्या होते हैं, ऐसा फार्मासिस्ट जिसकी डिग्री डिप्लोमा पूरा हो और स्टेट फार्मेसी काउंसिल में उसका रजिस्ट्रेशन हो गया हो। मीन्स अ पर्सन हुज नेम इज एट द टाइम बीइंग रिजाइन करेंग इज प्रोफेशन ऑन फार्मेसी, जिसका नाम फार्मेसी प्रोफेशन के लिए कार्यान्वयन को चलाने के लिए रजिस्टर्ड हो गया है। स्टेट काउंसिल क्या होते हैं, एक काउंसिल जिसको भारत सरकार चलाती है वो सेंट्रल काउंसिल है, जिसको राज्य चलाती है वो स्टेट काउंसिल। ये सेक्शन 20 के अंतर्गत स्टेट काउंसिल को डिफाइन किया गया है। सारे सेक्शन याद करना मेरे बच्चों, सब जीपैट के क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई क्वेश्चन हल्के मत छोड़ना। स्टेट काउंसिल को सेक्शन 20 के अंतर्गत दिया गया, ठीक है। अब फार्मेसी काउंसिल इंडिया में क्या था, किसका गठन कब हुआ, 1949 में, किसने किया, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी 1948 में आपका फार्मेसी काउंसिल एक्ट, फार्मेसी एक्ट आया, और फार्मेसी काउंसिल जो पहला पीसीआई है वो 1949 में गठन हुआ था, भारत सरकार ने किया था, और उन्होंने कहा कि हर 5 साल में। गठन का मतलब क्या हुआ, उन्होंने कुछ 15-16 लोगों को बनाया कि तुम इस पद पे, तुम इस पे से, आप छोटी सी पार्टी देखते हैं गांव में जो छोटे छोटे नेता आजकल घूमते हैं, मंडल मंत्री, महामंत्री, संयुक्त सचिव, प्रभारी, मीडिया प्रभारी, ऐसे लोग होते ना, उसी तरह से इसमें अलग अलग पदों को दिया गया, उसी को संगठन कहते हैं। उन्होंने कहा ये हर 5 साल में इसका चुनाव होगा और चुनाव के जरिए ये मेंबर चुनकर हर बार आएंगे। अब ये मेंबर कौन कौन से होते हैं इसको समझ, 3 प्रकार के मेंबर होते हैं दोस्तों, इलेक्टेड मेंबर जिनका चुनाव होगा, ये चुनाव के द्वारा ही चुने जाएंगे। दूसरा है नॉमिनेटेड मेंबर, जिसको सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार नामित करती है, ठीक है, इनका कोई चुनाव नहीं होता है, इनको अब मनोनीत किया जाता है, इनको रखा जाता है इनके कार्य के आधार पर। और तीसरा एक्स ऑफिसर मेंबर, ऐसे लोग जो बड़े बड़े पदों पर, जैसे डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, डायरेक्टर ऑफ CDIR लखनऊ, डायरेक्टर ऑफ जो अलग अलग संस्थाएं हैं, जो बड़े हेड संस्थाएं हैं, जो उनके डायरेक्टर जो रिटायर हो चुके हैं, एक्स मतलब रिटायर, उनके पास अनुभव बहुत है, उनसे सलाह लेने के लिए एक टीम है एक्स ऑफिसियल मेंबर। यानी 3 तरह के लोग हैं, इलेक्टेड चुने हुए, नॉमिनेटेड नामित किए हुए, और तीसरा रिटायर्ड लोग एक्स ऑफिसर। अब तीनों मेंबर में कौन कौन होता है ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, इसे याद करिएगा। इलेक्टेड मेंबर में कितने मेंबर होते हैं ध्यान से देखिएगा, इलेक्टेड मेंबर में कुल होते हैं 8 मेंबर, इसे दोस्तों याद रखिएगा। इलेक्टेड मेंबर में टोटल होते हैं कितने।